यूपी सरकार लगातार प्रदेश में गौशाला बनवा रही है, वहीं रायबरेली में भी लगभग पूरे जिले में गौशाला खोले जा चुके हैं, जिसमें आवारा घूम रही गायों को रखने की पूरी व्यवस्था की भी जा चुकी है। लेकिन रायबरेली के गौशाला में काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति यह है कि आवारा घूम रही गायों को रखने में पूरी तरह से आनाकानी की जा रही है, जिसके कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मामला रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पडेरी गांव का है, जहां पर सरकारी फर्म है जिसने इस समय चने की खेती के साथ साथ गेहूं की भी खेती की है, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से खेती को पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब फर्म इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, और कई बार गौशाला में भी संपर्क किया है लेकिन गौशाला वाले कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जानवर है, अब हम नहीं ले सकते। आप ध्यान से देखें इन तस्वीरों को, यह तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस तरह से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में आवारा पशुओं ने खेतों पर लोगों को परेशान कर रखा है और लोग इन्हें किस तरह से खेतों से बाहर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। आपका राम शंकर, ये क्या है सब, ये जानवर इस तरह से खेतों में आ रहे हैं, आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत जब बाहर निकालते हैं तो किसान मारा दौर, क्यों बाहर निकालते हो ने? कौन मारने दौड़ता है? यह यहाँ का ठाकुर है, आही रहा है, ये सब मारने दौड़ते हैं जी। ये किसके जानवर हैं, आवारा हैं जी? आवारा है। तो आप लोगों को दिक्कत क्या है इनसे? दिक्कत ये है कि मेरी फार्म चल रहा है ना सब। अपना परिचय बता दें। हमारा नाम रजनीश कुमार मिश्रा है, हमें आप फार्म इंचार्ज की हैसियत से हैं। यहाँ पर आवारा पशु काफ़ी आते हैं, काफ़ी यहाँ पर जो आवारा पशु जो आसपास के जो गांव के किसान हैं वो सरकारी बैरिकेडिंग तोड़ के सब यहीं खदेड़ देते हैं। इसके लिए जिला कृषि अधिकारी और जो मुख्य विकास अधिकारी को लिखा भी जा चुका है और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने आदेश भी किए थे, लेकिन 20-22 जानवर लिए गए, उसके बाद 30-35 जानवर अभी और हैं। पूरे क्षेत्र के जानवर सरकारी होने के नाते कि सरकारी है, सरकार का वो नहीं काटने दे रही है तो ये सरकारी ही में जाएंगे। जितनी तार की बैरिकेडिंग है गांव ने अपने आसपास तोड़ के और इसी में शाम को कर देते हैं, रात के अंधेरे में। आखिर इतनी मात्रा में जब यहाँ पर गाय और सांड आवारा आते हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका कहना है कि हम कई गौशाला भी खुलवा रहे हैं, जिले जिले में गौशाला खुले हुए हैं, क्या ऐसे में यहाँ कोई गौशाला की व्यवस्था है? अब गौशाला तो है लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त जानवर हैं, छोटी गौशाला है, कुछ गौशाला का निर्माण हो रहा है, वो कह रहे हैं निर्माण मार्च के बाद हो पाएगा, तब तक आप इनको संभालिए कैसे भी। तो फिर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं यहाँ पर? अब जिम्मेदार इसमें तो सीधे सीधे जो है लिखा भी जा चुका है, हम कई बार अवगत भी करा चुके हैं, फोटो भी व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं सभी लोगों को, लेकिन इसकी राजस्व की सीधी सीधी जिम्मेदार हानि होगी। अपना परिचय बता दें। हमारा नाम रजनीश कुमार मिश्रा है, हमें आप फार्म इंचार्ज की हैसियत से हैं। यहाँ पर आवारा पशु काफ़ी आते हैं, काफ़ी यहाँ पर जो आवारा पशु जो आसपास के जो गांव के किसान हैं वो सरकारी बैरिकेडिंग तोड़ के सब यहीं खदेड़ देते हैं। इसके लिए जिला कृषि अधिकारी और जो मुख्य विकास अधिकारी को लिखा भी जा चुका है और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने आदेश भी किए थे, लेकिन 20-22 जानवर लिए गए, उसके बाद 30-35 जानवर अभी और हैं। पूरे क्षेत्र के जानवर सरकारी होने के नाते कि सरकारी है, सरकार का वो नहीं काटने दे रही है तो ये सरकारी ही में जाएंगे। जितनी तार की बैरिकेडिंग है गांव ने अपने आसपास तोड़ के और इसी में शाम को कर देते हैं, रात के अंधेरे में। आखिर इतनी मात्रा में जब यहाँ पर गाय और सांड आवारा आते हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका कहना है कि हम कई गौशाला भी खुलवा रहे हैं, जिले जिले में गौशाला खुले हुए हैं, क्या ऐसे में यहाँ कोई गौशाला की व्यवस्था है? अब गौशाला तो है लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त जानवर हैं, छोटी गौशाला है, कुछ गौशाला का निर्माण हो रहा है, वो कह रहे हैं निर्माण मार्च के बाद हो पाएगा, तब तक आप इनको संभालिए कैसे भी। तो फिर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं यहाँ पर? अब जिम्मेदार इसमें तो सीधे सीधे जो है लिखा भी जा चुका है, हम कई बार अवगत भी करा चुके हैं, फोटो भी व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं सभी लोगों को, लेकिन इसकी राजस्व की सीधी सीधी जिम्मेदार हानि होगी। श्याम कुमारी, यहाँ पर इस तरह से जानवर आते हैं, क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? अरे दिक्कत बहुत है, इनका खेदे दो तो गांव वाले मारे दौड़ते हैं, कहीं है कि बड़े बड़े गेहूं में खेदो, छोटे गेहूं में ना खेदो, तब परेशानी हो जाता है कि ऐसे खेदो तो ऐसे जाते, ऐसे खेदो तो ऐसे, तो गाँव वाले बहुत परेशान करते हैं।
तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? शिकायत करो तो कहीं गौशाला नहीं है, ये फार्म आए चरे दियो ने सरकारी, तो जानवर छोड़े हैं सरकार, खुद छोड़वावा है ने। तो सरकार के ऊपर सीधा सीधा गौशाला वाले सवाल खड़ा करते हैं। हाँ, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।